अभी बिस्मिल्लाह रहमान जी, कुछ कहा आपने? नहीं, उसे पहले से वो इस्मुल फेल वहां से शुरू कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, ठीक है। यहीं से शुरू कर दें। सो मसरूखुन इस्मुन यदुल्लु अला मा वक़ात अलैहि सरिकतु व हुवा मुश्तक़ुन मिन सुरिका। सो मसरूखुन इज़ द वन दैट इज़ स्टोलन। इस्मुन इज़ अ नाउन, यदुल्लु इंडिकेटिंग, अला मा वक़ात ऑन व्हाट अकर्ड, अलैहि सरिकतु ऑन इट द थेफ्ट, व हुवा मुश्तक़ुन मीन सुरिका एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सुरिका। वो युसम्मा इस्मुन इस्मल इस्म मफ़ूल एंड इट इज कॉल्ड इस्म मफ़ूल। इस्मुल मफ़ूली इस्मुन मसूहुन मिन अल्फ़ेल मबनी लिल मजहूली लिद्दलालती अला मा वक़ा अलैहिल फ़िलु। So ismul fail is the noun which is crafted from al fa'lul mabni lil majhul to indicate the one on which the action happened. Wa huwa ala wazni maf'ulun min al fa'l thulathi mujarradi. Okay, and it is upon वजनी का मतलब क्या है? पैटर्न। अपॉन द पैटर्न मफ़ूल। यस एंड इट इज ऑन द पैटर्न ऑफ मफ़ूल फ्रॉम द फेल सलासी मुजरद। फेल सलासी मुजरद तो मैं यहाँ से अभी आपने शायद नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा बस छोड़ें मेरे से आगे आ जाए। ओके इस्तखरिजु मिन अद्दर्सी। ये इस्तखरिज है, फेल अमर है। इस्तखरिज मिन अद्दर्सी अस्माउल अस्माअल अस्माअल। अच्छा, बिकॉज ऑफ फेल अमर। इस्तखरिज मिन अद्दर्सी अस्माअल मफ़ूलीना मफ़ूलीनल वारिदता फीही واذكر ما كل واحد ما كل واحد ما كل واحد من هل فعل فعل من هل فعل من من هل فعل فعل المشتق مشتق اوكي منه على على النحو على النحو التالي. اوكي So, استخرج من الدرس. So, indicate huh? or point out from the lesson. निकालो, इस्तखरजा का होता है ना, उससे निकल वर्ड बने इस्तखरजा, निकालो। Okay, remove from the lesson the nouns. The nouns al-maf'ulina. So, इस्मुल मफ़ूल निकालो इसमें। ओके बिल्कुल, वो कह रहा है सबक में से अस्मुल मफ़ूल इस्मुल मफ़ूल निकालो। अलवारिदा फीही विच आर मेंशन इन इट विच केम इन इट वज़कुर एंड रिसाइट एंड मेंशन मेंशन मा कुल्ली वाहिदिन with each one huh? yes with each one of them al-fi'l al-mushtaq al-fi'l al-mushtaq the verb al-mushtaq minhu the verb from which it is derived المشتقى منه from which it is derived على النحو التالي on in the following way اب جو ہے نا وہ لفظی مطلب آپ کو آنا چاہیے لیکن جو ترجمہ ہوا اب ہم نے
आहिस्ता आहिस्ता बा मुहावरा की तरफ शिफ्ट होना है। सही। इस्मुल मफ़ूल इज़ ओके मक्तूबुन, सो कुतिबा युक्तबु। ओके कुतिबा युक्तबु, ठीक हो गया। अब वो कह रहे सबक से निकालो नहीं। मक्तूबुन वन है, वन हु इज़ द वन दैट इज़ रिटन, हाँ जी, जिसको लिखा गया फर्स्ट, या आपने लेटर लिखा तो जो लेटर है वो मकतूब है, आपने होमवर्क लिखा जो होमवर्क है वो आपका मकतूब है, ठीक हो गया। okay. अब इसमें से इस्म मफ़ूल निकाल लें। मसरूरुना, ठीक है। मसरूरुना, इसका फेल क्या होगा जिससे ये निकले? मसरूरुना का होगा सर्रुन और जो है सर्रा, लेकिन हमने पढ़ा अभी यहाँ पे जो आपने अच्छा। बताया वो है मालूम है, हमने मजहूल बताना है। ओके तो जो है इसमें फेल बताना है। ओके मसरूरुन का जो है हो गया सुर्रा, उसी का सर्रा का जो मजहूल है वो है सुर्रा। सुर्रा युक्सरु, हाँ युसरु, सुर्रा युसरु, सुर्रा युसरु, सुर्रा युसरु, सुर्रा या सुर और सुर्रा युसरु ठीक है। डिलाइटेड हैं मसरूर ना, दे हु आर प्लीज्ड, यस और वी हु आर प्लीज्ड, प्लीज्ड बस सिंपल प्लीज्ड भी कह सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है नेक्स्ट वो हो गया, नेक्स्ट मक्तूबन। ओके मक्तूबन, ठीक है। इसका फेल मक्तूबन कुतिबा युक्तबु। ओके कुतिबा युक्तबु, ठीक है। नेक्स्ट है मफ्तूहन, ठीक है। वो हो गया फतहा युक्तहु। फतहा मालूम है, हमें मजहूल करना है। और फुतिहा, ठीक है, फुतिहा और युफ्तहु, मुजारे क्या होगा? युफ्तहु, युफ्तहु, ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट मकसूरन फिर से आगे, अच्छा मकसूरन ये अलग है, टूटा हुआ है नहीं, ये तो जो है जस्ट ब्रोकन है ना, ये नहीं है ना मकसूरन, मकसूरन है ना, हाँ बिल्कुल मकसूरन है क्योंकि इसके ऊपर फेल हो का एक्शन हो रहा है। मकसूरन जो है इसका हो गया कुसीरा, हाँ ठीक है, कुसीरा कुसीरा युक्सरु, युक सरु, ठीक हो गया। मफ्तूहन भी है, मफ्तूहन उससे पहले पढ़ा था ना, मफ्तूहन हो गया ना पहले, मिस्टर मिर्जिंद में से पढ़ा था, हो गया। हाँ उससे पहले भी मुख्तलिफतिन नहीं है, मुख्तलिफतिन नहीं, मुख्तलिफतिन जो नहीं, मुख्तलिफ है वो नहीं है, वो इस्म मफ़ूल नहीं है। नहीं हाँ सही,
ओके नेक्स्ट जो है मकसूर हो गया अलियम ज़ाहिबन ए इरजु दश्तरी दीदम सारख सारखतन नहीं ये पेज में नहीं है कोई इस पेज में कोई नहीं है, नेक्स्ट पेज में है। देखते हैं यहाँ पे खाड़ी दी ओके बी फाइल मंसूर की ओके यहाँ पे प्रोहिबिटेड Prohibited. Don't you know that going out during the lesson is prohibited? अच्छा ممنوع है ओके ممنوع Yes, ممنوع. इसका फेल क्या होगा? ممنوع का होगा मुनिया ठीक है मुनिया मिया हो गया और जो है यमनाओ यमनाओ ठीक है यमनाओ सही है। और इसमें कोई भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास चलते हैं हम। इन स्मॉल फाइलें फतिहा सुनिका ओके नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स मफ़ूलीना मिन अल अफ़आल अल आतियती सो फॉर्मुलेट फॉर्मुलेट ओके फॉर्मुलेट अस्माउल मफ़ूलीना इज इसमें मफ़ूल इसमें मफ़ूल मिन फ्रॉम الافعال الاتيه from the following verbs इसमें मफ़ूल होता है क्या हमेशा ना इसमें मफ़ूल it is derived from the verb to denote the one who does the action who has the action who has the action done on him ओके ठीक है like مقبول and مخلوق created fill सो कुतिला से बनाए फिर इसमें मफूल प्लस से मक्तूलुन ठीक है उलिमा से मुअल्लिमतुन उलिमा से मालूमुन आपकी आवाज़ कट गई है उलिमा से मालूम आवाज़ आ रही है आ रही मालूमुन मालूमुन हाँ आ रही है आवाज़ क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है हाँ हाँ जी जी हाँ, आ रही है हमें नहीं आपकी नहीं आ रही हमारी नहीं आ रही आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ठीक है मूली माँ पे थे कोई सवाल है तो पूछ लें नहीं ठीक है उली माँ से फिर इसमें मफूल बनाए फिर अच्छा नेक्स्ट मालूमन ठीक है मालूम आगे सुइला मसइलुन मसूलुन इसमें वो भी एक आ जाएगा फा मसूल मसूल क्योंकि पैटर्न हमने मुकम्मल करना है मसूलुन द वन हु आस्क देन शुरीबा वन हु इज आस्क्ड वन हु इज आस्क्ड ओके शुरीबा इज मशरूबुन वन हु ठीक है नहीं नहीं मशरूब किसे कहते हैं मशरूब
वन अपॉन विच द एक्शन ऑफ ड्रिंक हैपेंड. सो फर्ज करें हमने जूस पिया. ठीक है, तो जूस इसमें मशरूब हो गया. ठीक है, आगे पूरा इज कुरिया. कुरिया मखरा उन मकरू उन. पैटर्न जो है ना वो याद रखें, मफूल का पैटर्न है वो लाजमी होना चाहिए, बेशक आपको जो मर्जी डालना पड़े. मकरू उन. इसका क्या मतलब है? दिस इज प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड. अच्छा, नॉट प्रोहिबिटेड. मकरून इज मोर लाइक डिसलाइक्ड. डिसलाइक्ड वो करीहा होता है मिस्टर मुजद्दद. अच्छा, ये वो चीज है, ये होता है ना कारा आ. कारा आ का मतलब होता है उसने पढ़ा. पूरी आ उसको पढ़ा गया. ये दोनों फेल हो गए. कारी उन पढ़ने वाला, मकरू उन जिस चीज को पढ़ा जाए. ये सम हो गए दो. ठीक है, सो मकरू उन से मुराद है वो चीज जिसको पढ़ा जाए. जैसे अभी हम किताब पढ़ रहे हैं, मकरू ये जो किताब है ये मकरू हो गया. मौजूदुन. मौजूदुन. ठीक है, मौजूद. वजदा फाउंड, राइट? वजदा ही फाउंड, वजीदा इट वाज फाउंड. वाजिदुन ढूंढने वाला, मौजूदुन जिसको ढूंढा गया. वजीदा मजहूल है, राइट? मजहूल है, बिल्कुल. कुसिबा कुसिरा. कुसिरा का मकसूरुन. ठीक है, वाज ब्रोकन. ठीक है, वलीदा मौलूदुन. ठीक है, तो वन विच डाइड. नो, बॉर्न. बॉर्न. ओके, बॉर्न. बॉर्न बॉर्न मौलूद जिसको जो पैदा हुआ. कुरिहा मकरूहुन. मकरूहुन डिसलाइक्ड है. डिसलाइक्ड. ठीक है, ये वही लफ्ज मतलब है जो आप पहले बता रहे थे. किला किला इज मकबूलन. मौकूलुन. मौ. ओके, मौकूलुन. और इसमें यूं भी आप कह सकती हैं माकूलुन, क्योंकि इसमें शुरू में फतह की वजह से हम जो दूसरा वाला है जो कमज़ोर अरफ़ इल्लत है उसको हम हमज़ा भी कर सकते हैं. तो इसका एक हो गया मौकूलुन और दूसरा माकूल. अब उसमें रूल ये है कि जो पैटर्न के लिहाज से बनता है मौकूलुन, लेकिन उसको जो ना भी है वो तो सब प्रोनाउंसिएशन में के लिहाज से उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर उसको कमज़ोर कंसिडर करते हैं, फिर उसको चेंज करके माकूलुन कर देते हैं, लेकिन है दोनों ठीक. ओके, ठीक है. नेक्स्ट दुफीना. ठीक है, इट वाज बरीड. इट वाज बरीड, दफन करना. दफन. मदफूनुन. ठीक है. देन गुसिला मक्सूलुन. इट वाज वॉश्ड. खुलिका 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 मखलूक. मखलूकुन क्रिएशन. ठीक है. कुसिला मफसूलुन. ठीक है, मफसूलुन. मफसूलुन कुसिला का वैसे मतलब पता है क्या होता है? कुसिला नहीं पता. ये होता है डिसमिस के सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है, किसी को बंदे को डिसमिस कर दिया गया. सो मुफसिलन जिसको डिसमिस कर दिया गया. ठीक है, आगे नेक्स्ट. अ
عين أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين فيما يلي. So عين is indicate أسماء الفاعلين اسم الفاعل وأسماء المفعولين the مفعول اسم المفعول فيما يلي below. अच्छा बिलो ओके then za put da इसके ऊपर फतह नहीं है सिंपल da फेल अमर है da is put okay khatan wahidan taht al ula wa khatin taht saniya khatan wahidan is one line under al under the first launch mein file hai acha to ye wahidan is one line yes one line wahidan one line under the ula is the first one that is isme file wa between two lines under the kya hai Khataini. Two lines. Under the second one. Okay. So small file and small maful could choose karna. अच्छा ये अगर जुमला दोबारा पढ़ लें तो बेहतर है जाज गुजर रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आई अच्छा ठीक है आईन इंडिकेट नहीं वो नहीं उसके बाद कॉल मुदीर कॉल मुदीर कॉल अल मुदीर लि तालिबीनी तालिबैनी सो कॉल अल मुदीर द हेडमास्टर टोल्ड द said यहाँ पे मतलब होगा said the headmaster said to the students और जुमले के हिसाब से आप ask भी कह सकती हैं तो ये two students हैं तालिबानी बिल्कुल तालिबानी two students okay so the headmaster told तो तालिबीना भी हो सकता है ना नहीं तालिबीना अगर आप कहेंगे तो ये जमा हो जाएगी तालिबानी का मतलब होता है दो स्टूडेंट्स ठीक है अब रह की बात आपका जहन में शायद वो है कि हरफ जर की वजह से मजरूर होगा ये सवाल है आपके जहन में हाँ अगर ये हरफ जर की वजह से हमने तालिबैन कहा है अगर हरफ जर ना होता तो हम तालिबान कहते बा अलिफ नून कहते ओके तो ये मजरूर है तालिबैन मजरूर है तालिबान मरफू है अच्छा अगर वैसे ही अगर बहुत से स्टूडेंट्स है लित ताली बी ना होता अगर ली होता अगर ली ना होता तो ताली बा तो लाभ होता तो लाभ ओके ओके मन मिंकुमल ज़ारिबु वमनिल मद्रूबु मनिल मद्रूब तो इसका मतलब है मन मिंग कुमा आप दोनों में से कौन ओके हु अमंग यू बोथ अज़ारिबुस ज़ारिबु इस्म अल फ़ाइल है मारने वाला अच्छा हु द वन हु हिट ओके वमिन वमिन مضروب and one who was hit right wa manil madroob theek hai aap dono mein se maarne wala kaun hai aur maar khane wala kaun hai acha to isme isme fail is zarib and isme maful is mazroob okay ismul fail zarib ho gaya aur ismul maful madroob ho gaya theek hai
वैसे जो लफ्ज होता है ना तालिब, जिसका जी मतलब है स्टूडेंट, ये खुद भी इसमें फाइल होता है वैसे ग्रामर के लिहाज से। ओके, फिर तालिब तालिब भाई भी फाइल, वही है तो बिल्कुल तालिब। इसमें फाइल है ये खुद, इसका मतलब इनाम कहते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं हम स्टूडेंट, इसका वैसे मतलब होता है तलब करने वाला, अच्छा सीख करने वाला। फर्रल कातिलु वनु वनुखिलल मक्तूलु इलल मुस्तशफा। फर्रा कातिलु, फर्रा इज रैन, रैन अवे, ठीक है, कातिलु द वन हु किल्ड मर्डर इसमें इसके होता है मर्डरर। द मर्डरर रैन। वनुखिला एंड नुखिला इज नुखिलल मक्तूलु नुकीला कहते हैं शिफ्टेड, एंड शिफ्टेड अल मक्तूलु द वन हु वाज किल्ड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, एंड द विक्टम वाज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो नुखिला शिफ्टेड है एंड द विक्टिम वाज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। ओके सो यहाँ पे टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। खातलू इज द इसमें फाइल ठीक है, एंड मक्तूल इज द इस्मल मफ मफ मफूल, इसमें मफूल ठीक है, इसमें मफ़ूल, मुस्तशफा तो बस नाउन है ठीक राइट, हॉस्पिटल। है। हाँ उसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, उसको बाद में देखेंगे फिर, वो भी उस तालिब की तरह ही है। नेक्स्ट खनजना खबजना खबजना अलसारी थी वला वलकिन्ना लिमा नज्द लदैहिल मालल मसरूखा। आवाज़ आपको मेरी आ रही है? जी जी आ रही है। खबजना इज हमारी नहीं आ रही आपको? हमारी आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वालेकुम सलाम, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। दोबारा पढ़ें जुमले को, अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। जी खबजना अल सारी की वलेकिन्ना लिमा वाला वलाकिन्ना लिमा नजद लदैहिल माल लम लजिद लदई ही, लम। अच्छा लम है लिमा है ये लम 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 है। ओके लम 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 की वजह से नजिद हो गया, सुकून आ गया उस पे, लम नजिद लदई ही। हिल माल मसरूफ मसरूका, खबजना इज खब्ज ग्रास राइट ग्राफ्स यानी कि हमने पकड़ लिया, पकड़ लिया कबज़ना हमने तारीखी पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया राइट। खबजना ठीक है। वी कॉट कबज़ना हम, जी हमने कॉट चोर को पकड़ लिया, अच्छा या अला का मतलब अपोन है या क्या है। ये जो है ना अरफे, अरफे ज़्यादा आपने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, तो ये उसमें आते हैं अरफे ज़्यादा में। अब इसको आप छोड़ दें, बस यूँ कह दें कि हमने चोर को पकड़ लिया। हमने चोर को पकड़ लिया वाला किन्ना ना बट वो एंड वाला किन्ना ना बट वी, वाला किन ना का मतलब होता है बट वी, वाला किन्ना बट वी बट वी लम मजिद लम लदई नजिद इज ही। अब ये नजीद मुजारे है, लम ने इसका मतलब चेंज कर दिया माजी में, लम नजीद वी डिड नॉट फाइंड, did not find ladayhi with him al mal money al masrooha is
स्टोलन। अब माल से मुराद जरूरी नहीं है कि मनी हो, माल से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि जो जिसकी कोई वैल्यू होती है, बेसिकली चोरी के काबिल कोई भी चीज़ हो। बट वी डिड नॉट फाइंड विद हिम एनी स्टोलन गुड्स, गुड्स स्टोलन कह दें, वी डिड नॉट फाइंड एनी स्टोलन गुड्स विद हिम। वला किन्ना ना का मतलब इसका क्या है? बट बिकॉज वी और बट भी बट वी वाला किन्ना ना बट वी ओके ठीक अजानुल मस्जिद नबवी मस्मूउन फी जमीन अहिया मदीनती मदीनत المنورة the adhan at masjid the adhan of masjid an-nabawi is heard in Jameen is heard by people इन जमी का मतलब होता है आल। okay so, okay is heard by all इन आल फी जमी इल आहिया इन आल द नेबरहुड्स, ओके भाई की जमा आहिया। ओके सो नाउ इट्स हर्ड इन ऑल द नेबरहुड ऑफ मदीना मुनव्वरा मेरी बुक में बाज है, वैसे आपकी बुक में जमी है। ओह अच्छा आपकी बाज ओके कुल्त लिल बकाली है यस, बकाल किसे कहते हैं? बखील का ये तो नहीं है नहीं, जुमला पढ़े फिर इंशाल्लाह आपको मतलब आ जाएगा, अगर ना आया तो पूछ लेना। ओके ठीक है ओके अयु जिदु लदई का आयु जदू लदई का, अयु जदु लदई का दजाजुन मजबूहुन ओके तो जो है ये जो है जो सेलर शॉपकीपर शॉपकीपर। ठीक, ओके आई आई सेड टू द शॉपकीपर अयु जदु शॉपकीपर आई वॉन्ट यू जदू। अच्छा, लदई का मतलब होता है यू हैव, और यू जदू का मतलब होता है यहाँ पे एग्जिस्ट के मतलब में इस्तेमाल हुआ है, तो हम तर्जुमा सिंपल करेंगे डू यू हैव। ओके ठीक है डू यू हैव हेल्दी चिकन हाँ मजबू का मतलब होता है जिबा शुदा, ओके जबाहा ओके सो से डू यू निकला हैव है, जुबीहा मजबू। ज़बीहा चिकन डू यू हैव अ स्लॉटर्ड चिकन? हम जो ऐसे के ऊपर से जो हम ये नहीं कह रहे थे अच्छा फर्रल कातिला के बाद जो है कबदना अलसारिकी वहां से जो हमने उसको ये नहीं पकड़ा मफू आपने छोड़ दिया थी इसमें मफूल बताना, छोड़ दिया था। ठीक है, बता ले फिर बेहतर है। ओके सारिख जो है वो हो गया इस्मुल फ़ैल हो गया और ये मसरूफ़ जो है इसमें फाइल, इस्मुल ठीक फ़ाइल हो है, गया और जो है ये मसरूफ़ जो है इस्मुल मफ़ूल हो गया ठीक है। और जो नेक्स्ट अजान मस्जिद नबवी मस्मूउन जो है वो है आपका इस्मुल मफ़ूल अजान जो है इस्मुल फ़ाइल इसमें इसमें है ही नहीं, इसमें फाइल इसमें नहीं है। अच्छा ओके कुल तू लिल बकल वजीदू लदई का दजाजत मगबूहुन जो है आपका होगा ये मफूल है मफूल ठीक, इस्मुल मफूल इस्मुल मफूल हो गया, इसमें भी नहीं है इस्मुल फाइल नहीं है नहीं है इसमें। ठीक है, हाद तालिबू मफसूलुन हाद तालिबू मफसूलुन दिस स्टूडेंट इज डिसमिस्ड
ठीक है ये जो है आपका ये है मफूल है, इस्मुल मफूल मफसूल। लाता अता लमिखलूखिन ली मखलूकिन देयर इज नो ओबीडियंस ऑफ द क्रिएशन في مخلوق في معصية الخالق इन द डिसोबीडियंस ऑफ द क्रिएटर देयर इज नो no creator has ओबीडियंस to ऑफ there if it causes or if it involves अगर देयर इज नो ओबीडियंस ऑफ क्रिएशन इन द डिसोबीडियंस ऑफ द क्रिएटर ओके ठीक है डिसओबीडियंस ऑफ द क्रिएटर ठीक है। इसमें जो है अल्लाह मखलूक जो है आपका हो गया ये मफूल इस्मुल मफूल और जो है खालिक जो है ये है इस्मुल फ़ैल। स्मॉल फाइल ठीक है هذا بيض مسلوخ मसलू कहते हैं बॉइल्ड अच्छा दिस इज अ बॉइल्ड एग ठीक है ओके सो जो ये आपका मसलूख इज इस्मुल मफूल ठीक हो गया عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said सेट नहीं भी मन कभी क्या है मन कभी का मतलब होता है मेरा शोल्डर माई शोल्डर अब्दुल्ला बिन उमर ने रज़ी अल्लाह ने कहा कि आखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखज़ा का मतलब आपने क्या सीखा हुआ है कुछ याद है हाँ आखज़ा राय ज़ैद तो जो होल्ड और टुक का वैसे हमने मतलब सीखा था खुश ले लो टुक ठीक है तो हम कहते हैं यूँ इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक मी बाय द शोल्डर यानी कि टुक से मुराद यहाँ पे होगा पकड़ लिया उन्होंने उन्होंने मुझको मेरे शोल्डर से पकड़ा और फिर कहा अब क्या कहा आगे देखें जरा कुन बी फिद दुनिया इन द वर्ल्ड दुनिया में ऐसे रहो कअन्नका जी कंटिन्यू करें अन्नका गरीबुन او عابر سبيل so as if you are a poor or you are a traveler غریب سے مراد ہوتا ہے stranger اجنبی poor کے لیے اور لفظ ہوتا ہے غریب کا مطلب ہے stranger اچھا جی عابر سبيل کیا ہے आबिर सबील सबील तो जो है ट्रैवलर है आबिर सबील ट्रांजिएंट तो जो है आबिर तो जो है पासिंग ट्रैवल पासिंग 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 ठीक हो गया आबिर सबील उर्दू में वैसे एक लफ्ज होता है राह गुजर इसके लिए होता है वो बड़ा इसके लिए सही मौजू लफ्ज है आबिर सबील के लिए इंग्लिश में पासर बाय चलो ठीक है यानी कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी भी होता है या कोई रास्ते का मुसाफिर होता है राह गुजर होता है क्या मतलब है इसका हदीस का इसका मतलब है कि जो आप इधर भी आप स्ट्रेंजर हैं तो जो आप ताकि जो आप पूरा फोकस जो आपका आखिरत पे होना चाहिए और दुनिया में जो आपको ऐसे होना चाहिए बिल्कुल कम से कम जो है आपको इस पे
आपका सामान हो, कुछ भी हो, जो है आपको कम से कम ये करके चलना चाहिए। आप फर्ज करें आपने जो है पासिंग ट्रैवलर है, ट्रैवलर के पास पूरा घर तो नहीं लेके जाता ना, वो तो जो थोड़े से सामान लेके जा रहा होगा। ठीक है ठीक है, ये दुनिया पे उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, अपने टारगेट की तरफ उसने फोकस करना है, ठीक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिस्टम ऐसा चल रहा है इधर कि हम जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें हम मैक्सिमम का 16 साल साइंस की तालीम पे लगाते हैं, और जो मज़हबी तालीम का एक सब्जेक्ट होता है कमज़ोर सा, और उस पे वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसके मुकाबले में। अमेरिका में क्या 16 साल ही एजुकेशन है या ज़्यादा कम है, क्या सिस्टम है उधर है किसका? एजुकेशन पे, कितना टाइम लगता है उधर अमेरिका में बचपन से लेके बड़े होने तक, एवरेज क्या है उधर सिस्टम में एजुकेशन? कम से कम आई थिंक कोई 20-22 साल तो लगते होंगे। इधर जब मैंने पढ़ा है उसमें 16 साल था, अब उन्होंने कुछ और प्राइवेट स्कूलों की वजह से कुछ और क्लासें डाल गई हैं बचपन में, प्रेप वाला, मॉन्टिसरी वाला, ऐसे के किस्म की कुछ और दो तीन डाल गई हैं, तो पहले 16 साल था इधर। अच्छा और उन 16 सालों में ना मैंने, यानी कि जो एजुकेशन है, मुझे इस्लामिक लिहाज से कुछ नहीं है एक किस्म का सीखा स्कूल या कॉलेज से। एक इस्लामिक इस्लामियात का सब्जेक्ट होता था तो वो फॉर्मेलिटी होती थी बस, कोई ख़ास नहीं था। यानी कि 16 साल साइंस के लिए, और इस्लामियात का एक मामूली सा सब्जेक्ट होता था जिसमें कुछ नहीं मुझे हासिल हुआ। قال تعالى إن الله خالق الحب والنوى الأنام 95 آية 95 Indeed Allah سبحانه وتعالى is the cleaver of हमने पढ़ा था कल grain and fruit kernels। फ्रूट करना, ठीक है, फ्रूट करना की समझ आ गई है, हाँ ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। ओके, ओके इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। बढ़िया, कोई कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक, नहीं सब क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू।